पहले तो आपके चैनल के माध्यम से और बाकी चैनलों के माध्यम से किश्तवाड़ की जनता का हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, उनका शुक्रिया करेंगे और एक मुबारकबाद भी देंगे जो उन्होंने किश्तवाड़ में तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भाजपा के प्रति अपना समर्थन जताया और हमारे कैंडिडेट्स को भारी बहुमत से वोट किया। और आने वाले 8 तारीख को आप देखेंगे कि किश्तवाड़ की जनता ने जो आशीर्वाद हमारे तीनों कैंडिडेट्स को दिया है, सुनील शर्मा जी को, शगुन परियार जी को और तारिक किन जी को, ये तीनों भारी मत से कामयाबी की ओर जा रहे हैं और 8 तारीख को आपको रिजल्ट भी मिलेगा। इसके लिए बहुत बहुत आभार हम व्यक्त करते हैं अपने किश्तवाड़ की जनता का। और साथ में ये जो वोटिंग के दौरान बागवान मोहल्ला में सुकून में जो एपिसोड हुआ, तो अब जो है जो पहले से सियासत में कुछ इस तरह का माहौल बनाया जाता था कि पोलराइज करो, लोगों को इधर उधर बांटो, वो चीजें अब लोगों ने समझ ली है और आज की डेट में कोई भी इधर उधर बंटने वाला नहीं है, बल्कि अपने सूझबूझ और समझ से वोट कर रहा है। इसीलिए वहां पे उनको जनता ने जवाब दिया, हमारी पार्टी ने तो जवाब देना ही देना था, लेकिन जनता ने जवाब दिया कि देखो कोशिश उन्होंने की कि इसको किसी न किसी तरीके से पोलराइज करो और लोगों को जो है एक तरफा खींचो। लेकिन उनकी जो किताब है आप देख लेंगे कि कानून की भी एक ही किताब होती है, जो सभी वकील पढ़ के वहां पे किसी को छुड़ाने के लिए जाते हैं और किसी को फंसाने के लिए जाते हैं, और वैसे ही सियासत की भी जो किताब है वो भी वही किताब है। तो उसी से जो है ये कोशिश करते हैं कि हम पोलराइज करें और उसी किताब से हम यहाँ से जवाब भी देते हैं। कंप्लेंट तो दर्ज करने के लिए बिल्कुल जो है पार्टी ने हिदायत दी है कि जो कल्प्रिट्स हैं उनके खिलाफ कंप्लेंट दायर कर लो और उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो होनी चाहिए, क्योंकि कानून से बड़ा कोई नहीं है और जो उन्होंने नगराज वहां किया है उसके लिए कानून उनको सजा देगा, ये कोई नहीं छूट सकता है कानून से। कंप्लेंट तो बनाई जाती है और कंप्लेंट में सारे तथ्य लिखे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम जो है सीधे जाकर के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करेंगे। देखिए आपने देखा होगा वहां किस माहौल में, जब हमारी जो प्रत्याशी हैं शगुन परिहार जी वो भी वहां मौजूद थे और हमारा ये जो चीफ इलेक्शन एजेंट जो है मिस्टर अक्षय शर्मा जी वो वहां गए, और उसके उस माहौल में जो जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके, चाहे वो बाहर थे अंदर थे, क्योंकि ये सुनियोजित तरीके से वहां पे एपिसोड हुआ है, ऐसा नहीं को सडनली कोई वहां पे उन्होंने कहा, उन्होंने बहुत पहले से ये जो प्लान करके रखा था, कोशिश की थी उन्होंने कि यहाँ पे आकर के ही हम जो है इस तरह का प्लान करेंगे। तो ऐसे में जो कंप्लेंट है कंप्लेंट तैयार है और कंप्लेंट मेरे ख्याल में जा चुके, अगर नहीं जा चुके क्योंकि हमारे प्रधान जो है वो जम्मू किसी मीटिंग के कारण गए हैं, क्योंकि हमारा अनुशासन जो पार्टी अनुशासन भी है उससे बाहर भी हम नहीं जाते हैं, हमारे प्रधान जी भी हो सकता पहुंचने वाले हैं और तुरंत जो है इस पे कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन पुलिस ने भी अपनी तरफ से कार्रवाई की है, ऐसी कोई बात नहीं है। बीच में मैं बोलना भूल गया, जब मैं अपने वोटर्स का शुक्रिया अदा करता था, इसमें मैं एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने इस किश्तवाड़ में कहीं पे भी कोई माहौल खराब होने नहीं दिया, और साथ में इलेक्शन अधिकारी जो है इलेक्शन कमीशन के अधिकारी जो है उन्होंने जिस ढंग से यहाँ पे इलेक्शन करवाया वो भी बधाई के पात्र हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी बधाई दूंगा, वहां पे भी जो उन्होंने रोल किया है बड़ा सराहनीय है और आगे भी, क्योंकि आज हमारे देश में जो सरकार है वो कानून के खिलाफ किसी को बाहर नहीं जाने देगी, इसके लिए जो भी आवश्यकता होगी जो भी कदम उठाना होगा सरकार उठाएगी, और हम जो कंप्लेनर हैं हमारे प्रत्याशी जो थे वहां पे या हमारा जो चीफ इलेक्शन एजेंट है हमारे प्रत्याशी के साथ, कंप्लेंट आ चुकी है और कंप्लेंट के मुताबिक कार्रवाई होगी, कंप्लेंट कोई गलत नहीं है। जो एपिसोड वहां हुआ है वो तो दुनिया ने देखा, वो तो ऐसा नहीं है कि कोई जो है बंद कमरे में कोई अंधेरे में कोई ऐसा हुआ है, वो तो ओपनली जो जिन्होंने नगरनाश किया है उनको तो सजा मिलेगी, सजा के बिना तो वो रहेंगे नहीं। अब कानून की प्रतिक्रिया जो होती है वो ऐसा नहीं है कि इधर से आए उधर से कोई तूफान की तरह आएगा, वो बिल्कुल अपने ढंग से पूरे तरीके से वो जो है उस पर कार्रवाई करेंगे और उस पर अमल होगा। बाकी जो आने वाले कल को जो प्रतिक्रिया हमने करनी है उसके लिए हम वचनबद्ध हैं। देखिए अब 8 तारीख का इंतजार करिए, जो सरकार का गठन होगा यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उसके बाद लोगों ने जो अपेक्षाएं हमारे पार्टी के प्रति रखी है उनके लिए जो है आने वाले कल को वो सारी अपेक्षाएं पूरे करने का जो वचन लिया है भाजपा ने वो करेगी, तो यही हम कहना चाहेंगे। बाकी इसमें कुछ किश्तवाड़ के लोगों ने कोई गुंजाइश नहीं रखी है कि वहां पे जो उन्होंने एपिसोड किया उसको कोई समर्थन करे, किसी ने समर्थन नहीं किया।